इंटरनेट खत्म होने के बाद में सबसे पहले तुम बेकार की फोटोज डिलीट करोगे, उसके बाद में ऑफलाइन म्यूजिक सुनोगे एंड अगर तुम्हारे पास में कोई मूवी है तो उसे देखोगे। बट इस सिचुएशन में इफ यू हैव एनी ऑफलाइन गेम तो सोचो कितने मजे आते। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो आज के वीडियो के अंदर पांच सबसे बेस्ट वाले ऑफलाइन गेम की बात करेंगे जो कि आपके फोन में होने जरूरी हैं, वरना कब तक तुम अपनी फोटोज को निहारते रहोगे। सीरीज में आने वाले सभी गेम्स के अंदर आप लोगों को अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी, अच्छी स्टोरी लाइन, अच्छे विजुअल्स और अच्छे व्यूज वो तो मुझे मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मुझे पता है कि तुमने नहीं किया है। बिना टाइम को वेस्ट करें हम लोग अपनी सीरीज को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी अपना अपना फेवरेट गेम नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। जिसका गेम सबसे बेस्ट होगा उसे मैं 24 आवर्स के अंदर पिन कर दूंगा। एंड यहाँ पर से हम लोग भाग के दौड़ के कूद के चलते अपने सीरीज के नंबर वन गेम। सो गाइस, हमारी सीरीज में आने वाला नंबर वन गेम है यूरोप फ्रंट रिमास्टर्ड। ये वाला गेम 2024 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक सिंगल प्लेयर गेम है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को डेडिकेटेड है। ये वाला गेम 40s के टाइम पीरियड पर सेट है और यहाँ पर आपको तगड़े लेवल का शूटिंग एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बाय द वे, आपको बंदूक चलानी आती भी है? नहीं, थोड़ी बहुत तो आती होगी। बाय द वे, इस गेम के अंदर आप लोगों को कैंपेन मोड देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लोगों को सोवियत यूनियन एंड जर्मनी की स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी। सच कह रहे हो? कैंपेन मोड के अलावा आपके पास में एडिशनल मिशंस होंगे जिन्हें कि आपको कंप्लीट करना होगा। इस गेम के अंदर आप लोगों को स्टनिंग ग्राफिक्स, रियलिस्टिक फिजिक्स एंड एक्साइटिंग साउंड देखने को मिलेगा एंड इन सभी चीजों के अलावा आपको वर्ल्ड वॉर 2 के सभी तगड़े वाले वेपन देखने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप लोग इजिली किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। 600 MB का ये गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, आपको डेफिनेटली ये वाला गेम ट्राई करना चाहिए। तो गाइस भागना शुरू कर दो, चलते हैं सीरीज के सेकंड गेम पर। तो गाइस, हमारी सीरीज में आने वाला सेकंड गेम है रैली होराइजन। ये वाला गेम आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा एंड ये एक सिंगल प्लेयर रेसिंग गेम है जिसे कि आप लोग अकेले में ही खेलना। अकेले में खेलने का वो मतलब नहीं है जो कि तुम समझ रहे हो गधो। बेसिकली ये एक हाई स्पीड रेसिंग गेम है। इस वाले गेम के अंदर आप लोग को कैरियर मोड देखने को मिलेगा एंड अगर आपको अपनी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है तो आप लोग टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। मेरे को जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फुल स्पीड रेसिंग के साथ में ऑफ रोड एक्सपीरियंस भी करने को मिलेगा एंड इधर आप लोगों को डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर डिफरेंट वेदर कंडीशन में रेसिंग करनी होगी जो कि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। वैसे तुम लोग कर भी पाओगे? पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख। 327 MB का ये वाला गेम जो कि कम्प्लीटली ऑफलाइन है, ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। बाय द वे, थोड़ा जल्दी करो क्योंकि सीरीज का थर्ड गेम भी तो देखना है। तो गाइस, हमारी सीरीज में आने वाला थर्ड गेम है स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स बैटल फॉर बिकनी बॉटम। तो ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जिसके अंदर आप लोगों को हाई एंड विजुअल्स क्वालिटी देखने को मिलेगी। इस गेम के अंदर आप लोगों को मेनली तीन कैरेक्टर का रोल प्ले करना होगा जिसके अंदर शामिल है स्पॉन्ज बॉब, पैट्रिक और सैंडी। इस गेम के अंदर आपको प्रॉपर स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी जहाँ पर आप लोग बैटल करने वाले हो रोबोट्स के अगेंस्ट में। यहाँ पर आपको काउंटलेस कैरेक्टर, मॉडर्न रेजोल्यूशन और कमाल का गेम प्ले एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। वैसे ये वाला गेम प्ले स्टोर के ऊपर पैसों में अवेलेबल है तो आई रिकमेंड यू कि आप लोग इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल कर लेना। 2.7 GB का ये वाला गेम जो कि पूरी तरीके से ऑफलाइन है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को यहाँ तक देख लिया है एंड आपको ये वाली सीरीज पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 4 गेम की। तो गाइस, हमारी सीरीज में आने वाला फोर्थ गेम है हिटमैन ब्लड मनी। सो बेसिकली हिटमैन एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइजी है। वैसे तो हिटमैन सीरीज पीसी एंड कॉन्सोल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करती है बट ये तुम्हारा मासूम सा चेहरा देखकर डेवलपर ने कुछ गेम एंड्रॉइड के लिए भी बना दिए हैं। यार मैं इतना सुंदर क्यों? तो इस गेम के अंदर आप एक असैसन का रोल प्ले करोगे, एक किलर का रोल प्ले करोगे। तो गेम आपको जिस भी बंदे को मारने के लिए बोलेगा तो उसे आपको मारना होगा साइलेंटली एंड एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। ये बढ़िया था गुरु। 0.9 GB का ये वाला गेम जो कि कम्प्लीटली ऑफलाइन है तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। और अब हम लोग चलते हैं सीरीज के फिफ्थ गेम पे।
सो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला पांचवा गेम है क्राइम सीन एविडेंस क्लीनर। ये वाला गेम 2024 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक रोल प्लेइंग एडवेंचर गेम है। तो इस गेम की स्टोरी लाइन ये है कि यहाँ पर आपकी दादी जी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। क्या बात कर रहे? अरे तुम्हारी दादी नहीं, मतलब गेम के अंदर जो कैरेक्टर है उसकी दादी। जो भी आपके पास में सेविंग्स है वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। तुम्हारे पास में और पैसे नहीं है कि आप लोग अपनी दादी जी का इलाज करा सको। ऐसे में एक गैंगस्टर तुम्हें अपॉइंट करता है कि जब भी वो कोई क्राइम करेगा तो आपको क्राइम सीन पर जाकर सारे के सारे एविडेंस को क्लियर करना होगा एंड इसके बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली ये ना एक सिमुलेटर गेम है जहां पर आप लोगों को डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके क्राइम सीन को एकदम नीट एंड क्लीन करना होगा। गेम का साइज होगा 100 MB एंड ये वाला गेम भी कम्प्लीटली ऑफलाइन है। सो गाइस टाइम आ चुका है इस वाली सीरीज को यही पर एंड करने का। तो आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस को हमेशा देख सको। आप लोग देखते रहो कैपिटल गेमर 7। मैं आपसे किसी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के अंदर दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।